माँ और मौसेरे का सच्चा उदाहरण छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षकों के बीच देखा जा रहा है। 3 दिसंबर 2012 से शिक्षकों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल छत्तीसगढ़ राज्य में किया जा रहा है, जिससे पूरे प्रदेश में शिक्षा का स्तर पूरी तरह चरमरा गई है, जिसमें प्राइमरी स्तर से लेकर हाई स्कूल के छात्रों तक के छात्र का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। मैं खीरेंद्र यादव और ये है मेरा कलेक्टर को पढ़ा चुका है तो एक दिन सरकार को ये गुरुजी पढ़ा देगा। बस इतने कहकर मैं अपना बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। सरकार की दोगली नीति के खिलाफ खंडन करके विरोध प्रदर्शन करें। निश्चित रूप से पढ़ाई में परेशानी होगी और हमें दिक्कत भी है कि बच्चों को परेशानी हो रही है। हम मन से बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि एक शिक्षक छात्रों के मानसिक माता और पिता होते हैं और कदाचित हम नहीं चाहते कि उनका किसी भी प्रकार का नुकसान हो। उससे जो तकलीफ हमको हो रही है उसका अंदाजा हम शासन को नहीं बता पा रहे हैं, पर ये हमारे पेट के भूख का सवाल है। इसलिए हम रास्तों पर उतर आए हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, शासन को चेताना चाह रहे हैं कि वो हमें दे और हमारे भविष्य को सुरक्षित करें। अभी वर्तमान ही सुरक्षित नहीं है तो भविष्य की हम क्या कल्पना करें। तो ये अनाचार है, अत्याचार है, एक आंधी सी आई हुई है, इसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो ये पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है? जी हाँ, पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है। तो पूरे छत्तीसगढ़ में कितने शिक्षा कर्मी होंगे? 1,80,000 का आंकड़ा है शिक्षा कर्मी का। सविलियन हम शिक्षा कर्मियों को पंचायत के कर्मी माना जाता है, पंचायत को शासन के अधीन है ऐसा नहीं माना जाता है। और हम शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग पे कार्यरत हैं, तो हम चाहते हैं कि जैसे शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षकों को जो वेतन प्राप्त हो रहा है उनके समकक्ष हमें भी वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत है और न्यायिक सोच भी है ये, और समय की मांग भी है, महंगाई की मांग भी है। मैं खीरेंद्र यादव, इंडिया अनहर्ड के लिए, कोंडागांव छत्तीसगढ़।